हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब बनाएंगे स्प्राउट ग्रीन मूंग का चटपटा नाश्ता। जो स्प्राउट मूंग खाना तो बहुत ही हेल्दी होता है, और इसे हम और भी हेल्दी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में ले सकते हो, हेल्दी भी है। तो चलिए बनाते हैं सुपर टेस्टी स्प्राउट मूंग की रेसिपी। ऐसे तो हरा मूंग भी खाना बहुत ही अच्छा होता है, इसे आप ऐसे भी खा सकते हो। यह मूंग 6 से 7 घंटे में फूल जाती है, उसके बाद इसे आप 6 से 7 घंटे के लिए कपड़े में बांध दो तो इसमें अच्छे से बीज आ जाते हैं। तो कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। यहाँ मैंने साबुत गोल मिर्च ली है और सहजीरा लिया है। 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ते। ये सारे फ़ौरन को फ्राई होने देते हैं। फ़ौरन फ्राई हो गए हैं, इसमें हम डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने बारीकी काट लिया है, इसे हम बस 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। एक मिनट भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ मैंने 1 कटा हुआ बारीकी टमाटर लिया है। टमाटर डालकर प्याज के साथ इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। इस मूंग को मैंने ऑलरेडी धो रखा है, इसे मैंने अच्छे से 2 पानी धो लिया था। स्प्राउट मूंग को इसमें हम ऐड कर देते हैं। स्प्राउट मूंग डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं टमाटर और प्याज के साथ। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिससे इसका स्वाद और भी चटपटा लगेगा। इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मैंने नाश्ते के लिए थोड़ा चटपटा बनाया है, मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है। ज़्यादा तीखा पसंद हो तो और हरी मिर्च ऐड कर सकते हो। अब इन सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैंने बहुत ही चटपटा वाला मूंग बनाया है, इसे आप ऐसे भी कम मसाला डाल के खा सकते हो। अच्छे से चलाकर इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे ढक कर हम थोड़ी देर पकाएंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम ढक लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मसाले भी तेल छोड़ दिए हैं। तो चलिए इसे फिर से हम अच्छे से चला लेते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि इस सब्ज़ी को हमें पूरी तरीके से पकानी है, इसे आप हाफ कुक करके भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मैंने थोड़ा सा 1/2 छोटा चम्मच के बराबर कसूरी मेथी और थोड़ा सा बस गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तो ठंड के मौसम में आप ऐसे मूंग के नाश्ते को बनाकर खा सकते हो। मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा ही चटपटा बना दिया है, आप इसमें कम मसाला ऐड करके बना सकते हो। तो देख सकते हो कितना टेस्टी बना है। इसके ऊपर आप नींबू हरा धनिया भी ऐड कर लेना। तो इसे खाकर आप वज़न भी कम कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।